हेलो। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार फारूक जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं शर्मा बोल रहा था। आपका ये पढ़ा था, ऐड पढ़ा था कि वो 8,000 का 16,000 वाला उस चीज का, क्या जी आवाज 8,000 रुपए के 16,000 देते हो ना आप एक साल में? आपका बहुत बारीक आ रहा है सर, थोड़ा आवाज में बोलो ना। आपका मैंने ऐड पढ़ा था, ऐड 8,000 रुपए के 16,000 रुपए आप लोग जमा करते हो, देते हो ना एक साल के बाद? अरे नहीं सर, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हाँ है। वो हाँ क्या है ना, वो 8,000 16,000 जो है ना, वो एड ऐसा है कि मतलब जो मतलब इंटरेस्ट लगाते कुछ लोग देते हैं ना कि हमारा डूब हो जाएगा, हमारा कंपनी में भाग जाएगी, कल कंपनी चली गई तो क्या करेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा धोखा बहुत हो पब्लिक के साथ हो चुका है ना। हाँ, तो वो ना वो सिर्फ गारंटी वाला है। और अपना प्लानिंग ऐसा है कि अपना प्लानिंग ये हम लोग क्वाइन खरीदते हैं दुबई से। हाँ, भीतर केस कलर करके अपनी कंपनी खुद का अकाउंट बनाओ, खुद खरीदो, खुद सेल बाय करो। वो किसके लिए है जो मतलब डरते हैं लोग, कहीं पैसा लगा दिया या नहीं लगाए, डरते हैं कल कंपनी चली जाएगी या उनको उनका पैसा लेकर वो हम लोग इन्वेस्ट करके अपना कमाते हैं, उनको महीना महीना लेकर हटा देते हैं। है, और अपने इस कंपनी में ऐसा है कि मतलब खुद तुम डालो $100, $500, $1,000, 5,000 डॉलर, जो भी डालोगे इसमें मंथली मिलेगा। प्लस आपका कॉइन का जो भाव, उस भाव से मार्केट में बेचकर सेल बाय कर सकते हो, ऐसा है। हाँ, अच्छा, मतलब हम हमें हमें आपकी क्वाइन खरीदनी पड़ेगी। ये हाँ डिजिटल क्वाइन आप खुद अपने से खरीदो, हमसे नहीं खरीदना है, कंपनी से खरीदना है। आप जो $100 खरीदोगे तो वो 10 महीना होल्ड रखेगी वो क्वाइन। जो अभी अच्छा इस टाइम भाव चल रहा है, $1 $2 जो भी चल रहा है, उस प्राइस में खरीदोगे वो 10 महीना होल्ड रहेगा आपका $100 का। आपको 10 महीना 150 रुपया महीना क्वाइन भेजेगी, जो भी एक दो क्वाइन होता है परसेंटेज, वो क्वाइन आपको भेजते रहेगी। प्लस आपका जब 10 महीने के बाद 11वां महीना आपको कंपनी एक्सपायर करेगी, तो आप अपने मार्केट में जिस तरह भाव से खरीदे थे, आपका भाव चढ़ा हुआ है, तो क्वाइन बेच सकते हो, सेल बाय कर सकते हो। मतलब जैसे आपने $100 डाला है 8,000 की क्वाइन, तो आपका 16,000 हुआ, 20,000 हुआ, वो सेल बाय कर सकते हो। नहीं दोबारा फिर से आपको लगाना है तो दोबारा लगा दीजिए, आपकी मंथली बढ़ के आएगी, ऐसा है। तो ये कौन सा बिटकॉइन? नहीं बिटकॉइन नहीं, हाँ भीतर केस कलर बिटकॉइन के ही जैसा है, मगर ये अपना अलग ही है। अच्छा, अपना BIC कौन है, बिटकॉइन नहीं है, BIC कौन है। हाँ, VIP कॉइन। BIC कौन है। अच्छा, तो ये कहाँ पर हाँ रजिस्टर्ड है? दुबई में रजिस्टर्ड है, हाँ दुबई से रजिस्टर है, तो तो दुबई की मेन मतलब हेड सर। ऑफिस वही है, दुबई ही है। अच्छा, मतलब दुबई की सरकार क्या बोलते हैं, इसके ऊपर कुछ भी गड़बड़ होगी तो दुबई की सरकार हैंडल करेगी इस चीज हाँ, को। सब कुछ वहाँ ऐसा होता ही नहीं है सर। अभी 10 साल से कंपनी चल रही है, अभी आज तक ऐसा कोई नहीं आया, और कोई भी गरीब से गरीब ये नहीं बोला कि हमारा पैसा डूब गया, हमको मिला नहीं, क्योंकि इसमें किसी को फंसने फंसाने वाला मसला नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, खुद सेल बाय करो, कंपनी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वो कॉइन आपका खरीदा 10 महीना हो गया और हम पैकेज लगा रहे हैं, तो वो पैकेज हमारे पे लगा दीजिए, आप अपना कैश कर लीजिए। हाँ नहीं, मुख्य चीज ये है कि हम कहीं भी किसी भी जगह कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं या चलाते हैं, तो वहां जी की जी सरकार के नियमों के तहत ही चला सकते हैं। अगर हम हाँ उसके हाँ अलावा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसके वहाँ यहाँ टैक्स फ्री है ना सर, वहाँ सब टैक्स फ्री है पूरा, वहाँ का लाइसेंस है, सब कुछ है, उसी पे काम चलता है। और कंपनी हर महीना अपना ऑप्शन बदलते रहती कि ताकि इस कंपनी को कॉपी ना कर सके, किसी का 1 रुपया इधर उधर ना जा सके, क्योंकि हर महीना अपना देखते रहती है कंप्यूटर पे, और देखिए, उसको कुछ ना कुछ चेंज करते रहते कंपनी में, ताकि इसको की कॉपी करने के लिए कुछ लोग कोशिश किए थे मगर कॉपी नहीं कर पाए। हाँ, इसीलिए 2 महीना 4 महीने 6 महीने से कंपनी कुछ ना कुछ अपना ऑप्शन बदलते रहती है, नहीं, एक उसको चीज मुझे ग्रोथ करती बताइए। रहती है। जी देखिए, कहीं भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं, किसी भी जगह, भले ही वहां टैक्स जी माफ हो या कुछ भी हो, है ना, किसी जी भी जी जी कंट्री में जाएंगे तो उस जी कंट्री के नियमों के तहत ही हमें काम करना पड़ेगा, बराबर ना, है ना। और वो कंपनी, वो जो कंट्री है, उस कंट्री की गारंटी होती है कि मेरे यहाँ पर अगर कोई भी इस प्रकार का गलत काम करता है या किसी ने लूट लिया किसी को, तो उस कंपनी को हम कहीं भी से घसीट के लेके आएंगे, यहाँ वो हाँ करेंगे, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल, ऐसा सर है, पूरा पूरा हाँ जिंदा साथ तो चल रहा हूँ। हाँ तो हाँ उसमें क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सर, ऐसी कंपनी कोई भी होती है तो वो उस कंट्री में वहां पर कुछ डिपॉजिट करती है, कुछ अपनी ये देती है, गारंटी देती है। वो गारंटी के साथ क्या बोलते हैं, वहां का सरकार जो है वो एक वो देती है, फॉर्म देती है, सर्टिफिकेट देती है,
बराबर ना सर, वहाँ के टर्म खुद जो टर्म है वहाँ के दुबई के उनके नाम से कंपनी रजिस्टर है। अच्छा, मतलब वहाँ की सरकार के जो मालिक है, जो मतलब प्रधानमंत्री एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी है, तो मोदी जी खुद बैठे हैं इस तरीके का काम करने के लिए, ऐसा बोल रहे हो आप? तो वो खुद उनके नाम से वो लाइसेंस है, पार्टनर वही है, मेन सबसे वही है, ठीक है, लाइसेंस कंपनी उन्हीं के नाम से चल रही है। अच्छा, मगर उन्होंने भी जो चाहे कोई कंट्री का राजा हो या चलते मंत्री हो या कोई भी हो, उनको भी वहाँ पर कुछ नियमों के तहत अपना सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, बराबर ना? सब कुछ है सर, पूरा है, पूरा है। तो इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट है अपने पास यहाँ? हाँ बिल्कुल है, पूरा है, पूरा पूरा मिलेगा। वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकेंगे आप यहाँ पर मेरे इसी नंबर पे, है ना? वो जरा भेजिएगा, क्योंकि देखिए में जाओगे ना, मैं जब भेजूंगा ना उसमें पूरा प्लान से लेकर लाइसेंस से लेकर लाइसेंस से लेकर सब कुछ है उसमें। अच्छा, क्या परसेंट है, क्या आता है, क्या कंपनी देती है, किस हिसाब से देती है, नहीं देती है, क्या करती है कंपनी, पूरा टोटल उसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसी को नहीं, गरीब हो अमीर हो किसी को फंसाने की जरूरत नहीं है। गरीब से गरीब अपना लगा सकता है, अमीर से अमीर लगा सकता है, क्योंकि इसमें किसी को फंसाने की जरूरत नहीं सर। क्या अमीर को पकड़ के लाएंगे तब हमारा कंपनी पैसा दे रही है, ऐसा नहीं। तुम खुद लगाए हो खुद, तुम्हारा कंपनी महीने का महीना दे रही है, तुम्हारा महीना पूरा हो गया, सेल बाइक खुद कर लो। अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका अलग से बोनस देती है, अलग से अपना मंथली सब कुछ जो देना रहता है उसको देती है। अगर ये कभी बट नहीं बोली है कंपनी की, तुम इसको ला कर फंसाओ, तुम फंसे हो उसको भी लाओ फंसाओ, उसको फंसाओ, चार उसको फंसाओ, पांच उसको फंसाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो जो प्लान डाला गया है वो ऐसा कि मतलब कुछ लोग डरते रहते हैं, मार्केट में बहुत काला कांडी हुआ है, बहुत ऐसे हीरा गोल्ड हो गई आ गया, कंपनियां बहुत से ऐसा घपना करके गरीबों का पैसा पला लेके गायब हो चुकी है, तो उस तरीके से अपना कंपनी नहीं है सर, ठीक है। हाँ, इस तरीके से बिल्कुल नहीं है, ना किसी को फंसाना है, ना यहाँ फोर्स किया जाता है तुम काम करो या मार्केट में उसको लाओ फंसाओ उसको फंसाओ। तुमको इंटरेस्ट है, कंपनी सीधा बोलती भाई रिस्क है, एक पैसा रिस्क है, कंपनी बोलती रिस्क है भाई, एक पैसा रिस्क है, नहीं है मुझे खेलिए खरीदिए और सेल बाय करिए। चलिए एक चीज मुझे बताइए इसमें, इसके अंदर जी देखिए, हम कहीं भी कोई पैसा लगाते हैं या आप बिजनेस खोलते हो कुछ भी एक्स वाई जेड करते हो, बराबर ना? जी जी, तो उसमें से जो इनकम होती है वो इनकम से ही आप किसी को कुछ दे सकते हो, करेक्ट ना? हाँ, मतलब जैसे अपना यहाँ इंडिया का अमेज़न कंपनी है, वैसे उसका होम शॉपी हंगामा करके अपना उसका वेबसाइट है, उससे अपना बल्ब में उठाती है माल कंपनी और पूरा उसके डाल देती है डॉलर में, जो भी मोबाइल से लेकर चप्पल से कपड़ा से लत्ता लेकर पैसा वहाँ इन्वेस्ट करती है और वहीं से अपने को बेनिफिट देती है, वो अपने घर में नहीं रखती है पैसा। अच्छा, मतलब वो अपने घर में नहीं रखती है। अच्छा, मुझे एक मार्केट वो पैसा मार्केट में फिराती है, वहीं से तो बेनिफिट देगी, वो अपने घर में रख लेगी तो कहाँ से देगी। अच्छा, आपको ये चीज तो पता होगी, वो तो वहाँ की मतलब ये है अपने कंट्री के राजा है वो, है ना? आप बोल रहे हो ना दुबई के वो राजा है, उनकी ही कंपनी है, बराबर? वो भी है राजा है या महाराजा है सर, हम लोग इंडिया के हैं, हम लोग अपने से जानते हैं अभी, बट हम लोग साल दो डेढ़ साल दो साल से कर रहे हैं, कोई भी आके शिकायत नहीं किया कि हमारा पैसा इधर उधर हो गया है, या कोई भी चाहे $100 लगाए हो या $500 हो गया या 5,000 की, हमको पैसा नहीं मिला हो। अच्छा, और किसी ने ये नहीं कहा कि हमें कोई फंसाया है। अच्छा, मुझे एक चीज गया है कंपनी, देकर गई है, लेकर नहीं गई है किसी का। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आप, है ना? अभी आपको मालूम होगा हमारे देश में बाहर की कई बैंक है, फेडरेशन बैंक है, ऐसे बहुत सारे, चाइना बैंक है, है ना? उस तरह के कई बैंक है, और वो तो क्या कहते हैं वहाँ की कंट्री का राजा है एक तरीके से, है ना? वहाँ का शेख है ना? तो ये लोग जो बैंक वाले आते हैं, फेडरेशन बैंक वगैरह, वो पता है हमें कितने पे, 3% 4% लोन पर हमें पैसा देते हैं ना हम लोगों को, बराबर? तो 4% कितना होता है साल का? 4%, राइट? तो अगर किसी को पैसा चाहिए है तो वो ज्यादा ब्याज पर देने की अपेक्षा कम ब्याज पर ले सकता है बैंकों से, और लेकर के वो अपना काम कर सकता है। फिर इन लोगों को क्या जरूरत है कि वो ज्यादा पैसा दे करके लोगों से पैसा इकट्ठा करें और फिर हम लोगों को उसका ज्यादा पैसा दे और फिर धंधा करें अपना? तो इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं सर? अभी उतना हम लोग कभी ऐसा गलत जगह गए नहीं है, और ना गलत जगह का ऑपरेशन है अपने लोग को, ठीक है? देखो, गलत का या सही का प्रश्न नहीं पैदा होता, यहाँ पर प्रश्न पैदा होता है तर्कों का,
है ना, जो सच्चाई है उसका प्रश्न पैदा होता है। जो सच्चाई है सर मैंने बता दिया। देखो सच्चाई, देखो आप जो सच्चाई बोल रहे हो, मैंने आपको मैंने आपको क्या बोली सर? वो असल बात ये सब कुछ तुम्हारे वॉलेट में होता है। कंपनी सिर्फ इतना कहती भाई इसको 10 महीना बड़ा पैकेज जो 4 लाख की है, 6 लाख का, 20 लाख का, ये 6 महीना रखती है। छोटा पैकेज जितना है 10 महीना का, ये कॉइन को 10 महीना आप यूज नहीं कर सकते हो अपना। बस हम तुम्हें जो मंथली दे रहे हैं वो मंथली यूज कर सकते हो। कंपनी सीधा बोली है कि हम जो फिक्स आपका महीना मंथली रखते हैं वो यूज कर सकते हो। ये कॉइन 10 महीना अब वो बेचती है क्या रखती है कि वो मार्केट में फिराती है, वो सब कुछ अपने वॉलेट में, मोबाइल में, अपने हाथ में, ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन सब कुछ बिजनेस है, ऑफलाइन नहीं है ना सर। ये मैं आपको क्या बोला हूँ, मैं आपको जो बोला हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं जो आपको बोला हूँ वो आपकी समझ में आया है कि नहीं आया? समझ में आया सर, समझ में आया, वो सब सब कुछ समझ में आया। तो मगर मेरा कहने का मतलब सर, जो हर मान लोग मार्केट में नहीं गलत होते, जैसे आप सर आप सही हो, और लोग नहीं सही है ना, हम सही है और लोग नहीं सही है, तो हर लोग भी गलत नहीं होते सर, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति जिसे दुनिया की किसी भी कोने में चला जाए उसे वहां से कर्जा मिल सकता है, कर्जा मिल सकता है 4% पर, तो वो क्या बोलते हैं 100% ब्याज पर कर्जा लेने की उसको क्या जरूरत है? ये 100% हो गया ना, ये ब्याज 100% हो गया, वो तो सिर्फ 4% मतलब रुपए में सिर्फ 100 रुपए में 4 रुपए उसको देने हैं साल भर के। और यहाँ पर 100 रुपए का 100 रुपए देना पड़ रहा है उसको, है तो ऐसा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा है, जो क्या बोलते हैं इस तरीके से अपना बिजनेस करेगा, इस तरीके से लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, उसका कौन कौन ऐसा बेवकूफ होगा मुझे ये बताइए। आप अगर मालिक होते हैं, मान लीजिए आप मालिक होते हैं, आपको ये सारी चीजें सुविधा मिल रही होती तो क्या जरूरत है आपको बाहर से पैसा लेने की इस चीज की? देखो सर कहने मतलब वो तो अपनी जगह पे है, क्यों जगह पे क्यों है? इसका मतलब कोई हिडन एजेंडा है, हिडन एजेंडा क्या है ये इस चीज को समझना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी क्या बोलते हैं, आप खुद चाहते हो कि लोगों को थोड़ा सा हम फंसाएं और फिर उसके बाद हम लेकर के भाग जाएंगे, नहीं, नहीं, है ना? सर देखो ठीक है, हम जैसे बेवकूफ फंसे हुए एक मोटी मिसाल सर, एक मिसाल आप जैसे आप पढ़े लिखे हो तो इसमें आज भी पढ़े लिखे तो फंसे हुए हैं इस कंपनी में। हम जैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जैसे सरकार वहाँ के बाहर के कंट्री वाले बड़े बड़े लोग गुज्जू बड़े बड़े पढ़े लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सर मान लेते हैं हम बेवकूफ हैं, चलो हम नहीं पढ़े लिखे, हम उसके बारे में और तो टैलेंट वाले इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, तो मतलब, वही बेवकूफ मतलब तो जो मतलब ये हुआ जो सुकरात को मारा था, सुकरात मालूम है ना आपको, सुकरात को मारा था, वो बेचारा अकेला था और पूरे दोस्त दुनिया भर के लोग थे उसके खिलाफ खड़े थे, तो मतलब आपके हिसाब से वो दुनिया भर के लोग सही थे, सुकरात गलत था, है ना? आप ये कह रहे हो कि सुकरात गलत था, करेक्ट ना? आप मुझे ये कह रहे हो सुकरात गलत था, सुकरात ने जो कहा कि पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है ना, सुकरात ने जो अपनी बातें बोली, या गैलीलियो जो था उसको, वो गलत थे, वो अकेले थे ना और बाकी सब तो उसके खिलाफ खड़े थे। मेरा कहने का मतलब है अब कंपनी क्या चलाती है, क्या करती है, कंपनी चोरी करती है या डकैती करती है, हमारा कहने का मतलब है हम अपना पैसा देते हैं, हमारे पैसे का पैसा मिलता है, हमारा कोई बंदा कभी शिकायत नहीं किया है। तो इसका मतलब देखो, नहीं तो मैं आपको क्या चीज बोल रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो कि इतने बंदे करते हैं इसलिए क्या बोलते हम भी करें, है ना? तो मैं कह रहा हूँ नहीं, हमारी कंपनी नहीं बोलती आप क्यों करो, आप मुझे देखो, आप मुझे उदाहरण सुनिए, आप मुझे उदाहरण दे रहे हैं, वही उदाहरण मैंने सुकरात का दिया है आपको, मतलब सुकरात उस टाइम उस वक्त सुकरात के टाइम पे सब लोग क्या बोलते सुकरात को गलत बोल रहे थे, लेकिन आज कोई सुकरात को गलत बोल सकता है क्या मुझे बताइए? आज गैलीलियो को कोई गलत बोल सकता है क्या? तो उसी प्रकार से आप आज की तारीख में ये बता रहे हो, मैंने आपको पूरे सबूत तार्किक सबूत दिए हैं, उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कल से गलत हो जिसको आप विरोध कर सके कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, मैंने आपको बराबर पॉइंट टू पॉइंट बताया। या तो वो भिखारी होगा, वो शेख नहीं होगा, वो भिखारी होगा, वो वहां पर चलते उसको कुछ मतलब सब जगह से उसको ये हो गया होगा, बंद कर दिया गया होगा, ये आदमी गलत है, इसको कोई उधारी नहीं दी जाए इसके, तो उस
तो उस बेस पर चलते उसको 4% पे ब्याज पे पैसा नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो इस तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहा। एक तो ये कारण होगा, इस तरीके से कर रहा है। देखो हर दुनिया में रोजी रिस्क करता है, कोई अपने टैलेंट से, कोई अपने हुनर से, कोई अपने एगोजेशन से, कोई अपने इल्म से, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति बचा नहीं है कि कोई अपने रोजी रिस्क के लिए नहीं भाग रहा है सर। आप कोई किसी तरीके से खा रहा है, कोई इसी तरीके से खा रहा है सर। कोई चोरी करके खा रहा है, कोई डकैती भी करके खा रहा है, कोई मारकर भी लूट कर खा रहा है, कोई इसी दुनिया में ईमानदारी से भी खा रहा है। अच्छा। और ईमानदार हाँ सर, हर तरीके से खाता है, कोई ये ना बोले कि मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो सामने से लेता है कोई या पीछे से लेता है, सर लेता है, हर इंसान लेता है। मेरा कहने का सर, हमने अभी गलत नहीं देखा है, इस दिन गलत देखा, मतलब आपने गलत नहीं देखा, इसलिए हमें बाकी सब लोगों को भी यही बोलना है कि हमने गलत नहीं देखा, इसलिए आप भी गलत ना देखकर अपने मर्जी से करिए जो भी करना है, बराबर ना। आपको फंसना है, फंसी है, जबरदस्ती नहीं करते सर, आपको फंसना है, आपको फंसना है, फंसी है, नहीं फंसना मत फंसी है। दो मिनट सर, मेरी बात, मैंने आपको प्लान डाला, एक मिनट, जैसे आपके पास प्लान गया है, किसी के पास प्लान गया, आपको समझ में आया, ये किए नहीं समझ में आया, नो कर दिए, बात ही खत्म हो गई। नहीं, ऐसे कैसे लगाइए, नहीं नहीं, ऐसे कैसे बात खत्म हो जाती है, ये ऐसे बात खत्म नहीं होती है। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को, लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहे हो फंसाने के लिए, और आप मेरे साथ इस तरीके से बातें, और अभी तक आप इस चीज को तैयार नहीं हो रहे हो। दो मिनट, मैं कहां उसको फंसा रहा हूँ सर, उसने पॉइंट खरीदा, सब कुछ उसके हाथ में है भैया। मैं अभी भी देखो, आपको मैंने कुछ पॉइंट बोले, उस पॉइंट के बाद भी आप सामने वाले की तरफदारी कर रहे हो। तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, तरफदारी कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ देखो, आप उसकी जगह, नहीं सुनिए सुनिए, आप उसकी जगह, उस मैं बोल रहा हूँ, वो आदमी भिखारी हो गया होगा, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है, तो आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए वो आदमी भिखारी हो गया है। ये नहीं बता सकूंगा भाई, क्यों नहीं हुआ, देखो देखो नहीं हम बोल सकते, देखो ब्लैक, देखो व्हाइट को, आप व्हाइट को व्हाइट बोलेंगे या ब्लैक को ब्लैक बोलेंगे, या व्हाइट को ब्लैक बोलेंगे, तो भिखारी होगा, हो सकता है आपके नजर में भिखारी होगा। तो ये चीज नहीं कह सकते, नहीं नहीं, आपके शब्दों से ही ये चीज साबित हो रही है कि वो आदमी भिखारी है, तभी वो ऐसा पैसा उठा रहा है हम लोगों से। भाई भिखारी होगा, सारी दुनिया पैसे के लिए भिखारी है भाई। तो आपने उसका साथ देना चाहिए या उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए भाई। हमारे साथ जिस दिन गलत करेगा हम छोड़ देंगे, हम साथ क्यों देंगे? मतलब आपके साथ गलत नहीं हुआ, हमारे साथ नहीं गलत हुआ तो हम क्यों उसका साथ देंगे? जिस दिन गलत करेगा हम खुद छोड़ देंगे, हमारे साथ उसका क्यों है? क्यों गलत करूंगा और क्यों गलत कराऊंगा? हमने कहा भैया, अगर यहाँ अगर दो पैसा मार्केट में आप कपड़ा बेच कर दो पैसा कमा सकते, मुझे लगता है आपने जो अपना नाम डाल करके ये जो किया है उसके ऊपर आपके ऊपर सीधे FIR बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से गलत ढंग से ये किया गया है उसमें आप सीधे सीधे फंस रहे हो इसके अंदर। ये चीज, ये रूल्स यहाँ पर देखो, ये रूल्स इंडिया में चालू लागू नहीं है कि कोई किसी को दुगने % पर पैसा दे सके, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस होता है, सारी चीजें होती है। हम डाले हैं सर, जो सुनिए सुनिए, वो जो प्लान डाले हैं ना, वो हम उनके लिए डाले हैं, जैसे कुछ लोग डरते हैं। आपने उनसे डीलरशिप ली है क्या? नहीं, आपने कैसे, कौन से पेपर के भरोसे? पहले पूरी बात तो सुनिए आप, पहले तो बोलिए ना, मैं जानता हूँ मेरी गलती जहाँ है, आप चलिए बताइए, चलिए बताइए आप। जैसे कुछ लोग आते हैं प्लान, मतलब सुनते हैं तो कि भाई हम भी इंटरेस्ट है डालने के लिए। आदमी जैसा आप सवाल करते हो कि सर कल कंपनी भाग गई या चोर है या कंपनी डूब गई या कुछ भी हुई या कोई भी बात हुआ, तो कुछ लोग कहते भाई हम कंपनी को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं, आपके जरिए से लगा रहे हैं। सर कहने मतलब आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या हम पैसे इन्वेस्ट करोगे? तो मैं नहीं सर आपको दूंगा। तो भाई हम हमारे जो मेन सीनियर है, जो मोइन सीनियर है, वो प्लान ये डालकर रखे है, वो मैं अपने लिए नहीं डाला हूँ, उनका प्लान है, तो वो डालकर रखे कि मतलब आप इतना महीने का हमसे जो भी हम वहाँ से 10 रुपया कमा रहे हैं या 10,000 कमा रहे हैं या 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं, आप जो पैसा दिए हो, आप जो पैसा दिए हो वो पैसे का हमसे इतना महीने का आप लेकर जाओ, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कंपनी डूब जाए, अभी का भाग जाए या अभी चले जाए, हमसे वसूल कर ले लेना। उनका प्लान ये है, हमारे सीनियर का, वो हमारा नहीं है। अच्छा। उनका प्लान ये है कि मतलब ये पैसा आप अगर 8,000 हमको दे रहे हो तो आपको महीने का 16,000 जो भी 20,000 जो भी डाला है आप पड़े होंगे, है ना, तो 16,000 है, 8,000 है, आपको कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं है,
आप मुझे 8,000 दियो 12 महीने में, 24 महीने में उसमें डाला होगा, 12 महीने का 24 महीने का डाले है ना प्लान, इसमें तुम इतना महीने का अपना अपना लेकर चले जाओ, आपको कुछ लेना देना नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कंपनी अभी भाग दे रही है या डूब जा रही है, पैसा मैं भर कर दूंगा का प्लान बराबर ना, ये आप बराबर बोल रहे ना, बराबर बोल रहे ना अभी यहाँ पर। अभी मुझे ये बताइए, इसमें एक तो नंबर आपका डाला है, आपने फोन उठाया राइट, दूसरी चीज इस तरीके का कोई सा भी पैसा इकट्ठा करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है, मालूम है आपको? हाँ, है ना, तो वो लाइसेंस इनके पास है क्या? हाँ सर, देख लीजिए क्या सही है क्या गलत है। नहीं नहीं, इनके पास वो लाइसेंस है क्या कि पैसा इकट्ठा करने का, मनी लैंडिंग लाइसेंस जो है वो इन फारूक जी के पास है, जो जिन्होंने ये डाला है, आपने डाला है, आपके पास है क्या वो लाइसेंस? कहने का मतलब है और पत्रकार लोग भी तो पैसा इसमें डाले हैं सर, भैया जो भी बेवकूफ बना, एक नियमों के तहत बनना है आपको, कोई भी देखिए आपको आपको ये एडवर्टाइजमेंट डालना है तो वो एडवर्टाइज के लिए पूरी शर्तें पूर्ण करनी है हमारे सरकार की। आपने आपने अगर वो शर्तें पूरी नहीं की तो आपके ऊपर सीधे सीधे FIR बनती है, ये मालूम है आपको? बिना शर्तों के, बिना मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस के आपने अगर ये पेपर यहाँ ये डाला है, एडवर्टाइज किया है, तो आपके ऊपर 400 BC का मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस की धोखाधड़ी का उसका सबका FIR होता है ना। फिर जो भी है सर, देखो अपने को उतना जानकारी नहीं, अभी देखो इसमें आज 12 लोग पत्रकार पैसा डाले हैं, DMC वाले डाले हैं। वेरी गुड, आपके पास पूरी लिस्ट है, लोग भी डाले हुए, आपके पास पूरी लिस्ट है ना, ये सब की आपके पास एंट्री होगी पूरी, आपके अकाउंट में डाला है पैसा, कहाँ डाला है? नहीं अकाउंट में ऐसा नहीं है, वो अकाउंट में देते हैं, वो अपने ही सेल बाय करते हैं, कंपनी से डायरेक्ट तुम खरीदो डायरेक्ट बेचो, इसमें किसी का इसमें रोज दो नहीं, नहीं, अभी आपने अभी आपने क्या कहा कि इन्होंने ये इसलिए प्लान डाला कि जिसको जिनको डर लगता है वो हमें पैसा देंगे, हम उनको उसका पैसा देंगे चाहे कंपनी डूबे या नहीं डूबे, राइट? आप नहीं समझे सर, जो मतलब वो गरीब लोग डर रहे हैं, कुछ लोग जैसे सुनते भाई फला आदमी ने उतना पैसा कमाया है, हम भी कमा सकते, तो कुछ लोग बात जब आते हैं तो वहाँ डर जाते हैं, कल कंपनी चली गई, कल कंपनी भाग गई, तो भाई हम इसमें अच्छा, कुछ आता आपके नहीं पास, आपके पास उन, सुने, आपके पास उन पत्रकारों की लिस्ट है, आपके पास पत्रकारों की, बीएमसी वालों की, इनकी लिस्ट है आपके पास? हाँ हाँ, यही मुझे भेजेंगे, मैं रहता हूँ अनिल लोकड़े नाम है, अनिल लोकड़े नाम है। नहीं, आप मुझे भेजिए, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए ताकि मैं भी उन लोगों से बात करूँ ना, उनको जरा देखूँ तो सही कैसे सुकरात को ये लोग चलते नंगा करने में लगे हुए हैं, इनसे बातचीत करूंगा ना मैं। सर ऐसा बात है, आप नहीं मेरी बात समझ पाए पूरा, मेरा कहने मतलब वो मतलब जो इंटरेस्ट कंपनी से नहीं है उनका इंटरेस्ट हो रहा है, जैसे हमने आपको देखा नहीं, आप तो जानता नहीं, और जिसको मैं देखा हूँ उसी को जानता हूँ ना, मेरा कहने का मतलब है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई हम कंपनी को नहीं जानते हैं, हम कंपनी को नहीं पहचानते हैं, कल कंपनी चली गई तो क्या करेंगे, तो जो उसमें 1 रुपया वो कमाते हैं कि 10 रुपया कमाते हैं या 20 कमाते हैं, वो सीधा बोलते हैं सामने बैठाकर, भाई इसमें मैं 10 रुपया कमाऊं या 20 कमाऊं या 20,000 कमाऊं या मेरा पूरा का पूरा घाटा लग जाए। अगर आप कंपनी में लगाओगे तो तुम्हारा रिस्क है, आप कंपनी में लगाओगे तो खुद अपने हाँ लगाइए, खुद बेचिए, खुद सेल बाय करिए, हमसे लेना देना नहीं है, आप कंपनी का है, क्योंकि तुम रिस्क उठाओगे तभी कुछ फायदा मिलेगा, और अगर रिस्क नहीं उठाओगे तो भाई जब हमारे ऊपर दोगे तो हमारे ऊपर अगर जिम्मेदारी दोगे तो आप जो भी चाहिए भाई चेक चाहिए कुछ भी चाहिए आप ले लीजिए, और हम महीने का जो भी आपका बनता है आपको महीने का इतना देकर 12 महीना 24 महीना देकर हटा देंगे। सर मेरी पूरी क्लियर बात सुन लेना, अगर तुम रिस्क लेते हो भाई खुद बोलोगे नहीं मैं कंपनी में लगाऊंगा तो अपने हाथ से लगाओ और अपने हाथ से खरीदो, अपने हाथ से सेल और बाय करो जो भी है, और हमें दोगे तो भाई हम उसमें कमाकर ही आपको दे पाएंगे, अपने घर से नहीं दे पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आपने बोला मुझे कि कई पत्रकारों ने, कई बीएमसी वालों ने लगाया है, तो मुझे उनकी लिस्ट भेजिए, उन्हें मुझे लिस्ट भेजिए। अच्छा, लिस्ट नहीं आता सर, इसका अकाउंट बनता है, जैसे आपका मोबाइल में ना फोन पर आईडी अकाउंट बनता है, वो अकाउंट सब अपने अपने सबके पास रहता है, अपना अपना अकाउंट है, उसमें लिस्ट नहीं आता है। अच्छा, मतलब वो जो उन्होंने डायरेक्ट लगाया है उनकी लिस्ट आपके पास नहीं है, राइट? नहीं, ऐसा अकाउंट खुलता है मोबाइल में सर, जैसे अपना अपना बैंक का अकाउंट नहीं खुलता और सबका खुलता है, तो उसमें बाकायदा आधार कार्ड लगते, सब वेरीफाई फोटो लगते, फोन पर आईडी आती है, उसमें सिक्योरिटी आईडी आती है, सब कुछ डालकर अपना अपना रखते हैं लोग, सबके हाथ में रहता है, कोई किसी का देख नहीं सकता है।
चलिए वो हो गया वैसा। अभी आपने हाँ। ये पेपर में डाला है जो चीज एडवर्टाइज कि भाई हमें 8,000 दो, हम कंपनी डूबे या नहीं डूबे, ये आपने मुझे बोला, तो वो कितने हाँ, लोगों ने आपको पैसा हाँ, डाला उसकी लिस्ट होगी। जो अपने हाँ, मेन है हम लोग तो हाँ, उसमें उसमें आपने कितना, तो उसमें कितना पैसा इकट्ठा किया, कितने लोगों को दिया, कितने को नहीं दिया, कितने को दिया, कितने को नहीं दिया, उसकी लिस्ट दीजिए, ताकि उनको कम से कम हमें अगर उनको मेरे ऊपर नहीं है, वो मेरा प्लान नहीं है, बड़े सर का है, तो हम लोग तो मतलब मेन आईडी से जुड़े वो करते हैं ये। अरे तो आप इसमें इसमें नाम आपका है, नंबर आपका डाला है सर, हमारा देखो उसी शुरू से मिलते हैं, सुनिए दो मिनट, हाँ? हम उसी शुरू से, हमको भी लोग मिलते हैं, दो मिनट, मैंने जो प्लान डाला हूँ उसी शुरू से मिलते हैं, तो हम उनको तीनों प्लान मतलब सामने बैठाते हैं, भाई देखो ये कंपनी का प्लान है, आपको कंपनी का प्लान करना है करिए, बाद में जब वो झिकझिक बाजी करते हैं, नहीं कल कंपनी भाग गई सर, कल को वो हमारा पैसा डुबा ले गई, तो कल वो भाग गई, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो उनको बाद में ये प्लान देते हैं कि भाई देखो आपके ऊपर ये भी प्लान है, बड़े सीनियर वो ये प्लान देते हैं कि भाई देखो तुम, हम यहाँ 10 रुपया आपसे खुलकर बोलते हैं, उसे चोरी नहीं बोलते, भाई हम से 10 रुपया कमाएंगे तभी आपको 5-6 रुपया दे पाएंगे, अब आपको इंटरेस्ट है हमारे ऊपर, कंपनी का इंटरेस्ट नहीं हो तो हमारे ऊपर दे सकते हो आप, हम यहाँ से कमाएंगे। अच्छा, आपको मतलब, महीना मतलब आप गारंटी ले रहे हो उन लोगों की, कंपनी का पैसा मतलब आप उनको रिटर्न करने की, बराबर ना? सर ये जो मतलब ऊपर लगाते हैं कि बोलते हम कंपनी को नहीं जानते, तो वो बराबर ना, तो बराबर हाँ। ना, तो हमें ये चीज चाहिए कि कितने लोगों के साथ आपने ये किया है, उनका उनका दीजिए। मैं किसी का नहीं डलवाया हूँ, अपना अच्छा। जो भी डलवाया वो कंपनी शुरू से, हमारा डायरेक्ट कोई नहीं है ऐसा, अच्छा, ऐसा अच्छा। कोई नहीं है। तो अभी आपने आपने अभी किसी का नहीं लिया है, बराबर, मतलब आपका अकाउंट देखेंगे, आपका अकाउंट आपके मालिक का, आपके बॉस का, आपके बॉस का अकाउंट लेंगे तो उसमें भी नहीं डला है अभी किसी का पैसा है। ऐसा है, एक दो लगाए हैं उनके जान पहचान वाले, मतलब घर वाले रिश्तेदार वाले लगाए हैं, मतलब वो है कि हम कंपनी को नहीं जानते, तो वो सीधा बोले हम तुमको महीना महीना देंगे, हम उसमें 1 रुपया कमाए हमारा डूब जाए, हमने जितने को लगवाया सीधा बोल के लगवाए, भाई तुम कंपनी में लगाओ, तुम्हारा डूब रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तुमको रिस्क उठाना है तो लगाओ, ये डिजिटल है, ऑनलाइन चीज है, इसको इसमें अच्छा मिल भी सकता है, इसमें डूब भी सकता है, दोनों बात बोल दिया उसका सामने है, तुमको समझ में आता है अकाउंट बनवाइए, समझ में आता है हमारे साथ लगिए, नहीं समझ में आता मत लगिए, मतलब हमने किसी का जिम्मेदारी लेकर नहीं, मतलब आप लोग इतने बेशरम हो, मेरा इतना कहने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को बेवकूफ बनाने में लगातार लगे हुए हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप जो कहे मैं सब कुछ समझा, मगर आप हमने समझ में अभी नहीं आ रहा, जब जब आप लोग अंदर जाओगे तभी समझ में आएगा मेरे ख्याल से, है ना? आप ये चालू रखोगे, आप ये चीज चालू रखोगे, सर आप जो कहे मैं उसको मैं एग्री किया कि आप जो बात कह रहे हो आप उसके अंदर अच्छा जानकारी होगी, आपका अच्छी अच्छी होगी, पकड़ होगी या अच्छी जानकारी होगी, सब बता रहे हो, मतलब हमने जिसके साथ जो भी मतलब आप बेवकूफ बनाते रहेंगे, लोगों को फंसाते रहेंगे, ये आपका काम है, बनाते रहूंगा। देखो ये चीज मैंने सीधे क्लियर कर दी, आप बना रहे हो बेवकूफ, आप इंडिया के लाइसेंस के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, सर हमारा 2 मिनट, देखो आप इंडिया के लाइसेंस के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, मतलब है मेरी भी बात सुनो, हम लोग यहाँ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं सर, ना जबरदस्ती कर, अरे वो जो आती है ना चलते अपने सोने का पानी चढ़ाकर पीतल जो बेचने आती है घर पे, वो जबरदस्ती नहीं करते, सुने वो जबरदस्ती नहीं करते, वो दिखाते हैं कि भाई आप बेवकूफ बन जाओ। हाँ, सर आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक हाँ, है हाँ, और जब बड़े सर आएंगे 15 तारीख का ओवरी गए इलाहाबाद, हाँ, तो आएंगे तो आप बैठ कर और जितने पर लगाए एक दो इधर पत्रकार वाले सबसे आप ले लीजिए सर, क्या हाँ, गलत हाँ, है क्या सही है आप वो फैसला कर दीजिए, ठीक है ठीक है, चलो वो भी करते हैं, मगर मगर ये आप लोग ये अभी बंद नहीं करने वाले, ये आप बोल रहे हो बराबर ना? मैं बंद नहीं करने वाला सर, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लगता है आपके साथ नहीं, लगता है आपके साथ बहुत सारे माफिया लोग जुड़े हुए हैं, मेरी बात तो सुनिए, आप पहले सर से मिल लीजिए, क्या है उसमें सच्चाई क्या झूठ है, देखो समझ देखो मैंने सच्चाई आपको बता दी, सुकरात का उदाहरण दे दिया सबसे बड़ा, उसके बावजूद आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे साफ नजर आ रहा है, सुनिए मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि पुलिस का या बड़े बड़े राजनेता का हाथ आपके ऊपर है, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा, ये सब खुलेआम कर रहे हो आप, है ना? और अभी भी मना करने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप,
सर सर मेरा कहने मेरी बात तो सुनोगे, मैं समझ गया, मान लेता हूँ, चलो मैं समझ गया, मैं मान गया, मैं छोड़ दिया, एक मोटी मिसाल है, मैं मान गया, मैं समझ गया, मैं छोड़ दिया, एक मोटी मिसाल है, मैं छोड़ दिया, मान गया, आगे तो है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सर, ठीक जाइए 15 तारीख तक जब बड़े सीनियर आ जाएंगे 16-17 को, मैं एड्रेस देता हूँ, आप चले आइए, आप चले आइए और उसके बाद आप जो समझ लीजिए क्या अच्छा क्या बुरा, फिर बोल दीजिए, ठीक है? अच्छा अच्छा, मतलब तब तक जितने लोग डूबना हो डूबते रहेंगे, है ना? नहीं नहीं, किसी का भी वो जब मेन है ही नहीं तो कोई कौन लगाएगा, वही लगाते हैं हम लोग, हमें उसमें नहीं आता है कहाँ से करेंसी लाते हैं, कहाँ से डालते हैं, वो उन्हीं को मालूम है। अच्छा, उन्हीं को मालूम है, मगर नंबर आपका लगा रखा, उन्होंने अपना नंबर नहीं दिया। नहीं, नंबर मेरा है, वो अपने पे डालते हैं, मैं अपने पे डालता हूँ सर, खाली ये है कि जब आएंगे 15 तारीख को तो आप मिल लो, समझा दो, उनका नंबर क्या है फोन नंबर। हाँ ठीक है, मेरे को व्हाट्सअप कर दो अपना नाम, मैं उस पे तुम्हारा उस पे उनका नंबर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसी नंबर पे मेरे को नंबर सेंड कीजिए आप, ठीक है? हाँ, ओके ओके, चलिए।